तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ फरे। मैं आज फरे की रेसिपी लेके आई हूँ, तो मैं दिखाऊंगी कि मैं फरे कैसे बनाती हूँ। तो दोस्तों चलते हैं, फरे बनाते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ मैं फरे कैसे बनाती हूँ। A few minutes later. तो दोस्तों मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैं दिखाऊंगी मैं किस सामान से फरे बनाऊंगी आज, क्योंकि फरे कई दालों से बनते हैं, जैसे चने की दाल हुआ, उड़द का दाल हुआ, उड़द की दाल जो बिना छिलके वाली आती है, मार्केट में आती है, तो छिलके वाले भी दाल का बन सकता है फरे। तो मैं इसको भिगो ली थी, आधे घंटे हो गए, 30 मिनट रख दी थी भिगो के। तो एक मेरे चने उड़द की दाल भीग गई है, तो मैं चलती हूँ फटाफट इसको मिक्सर में डाल के पीस लेती हूँ पहले। और आज दोस्तों मैं बनाऊंगी गेहूं के आटे में फरे बनाऊंगी, क्योंकि चावल के आटे में भी बनता है फरे और मक्के के आटे में भी बनते हैं। तो मैं लेकिन हमेशा गेहूं के आटे बनाती हूँ, हम लोगों को गेहूं के आटे में ज़्यादा पसंद है फरे। तो फिर सबसे पहले मैं सामग्री दिखाती हूँ आपको, मैं क्या क्या डालने वाली हूँ सामान। उड़द की दाल जो आधे घंटे में भिगो ली थी, ये है 250 ग्राम उड़द की दाल है दोस्तों, तो देख सकते हो आप सब। और मैं इसमें अब जो सामान डालने वाली हूँ दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों ये है नमक, मैं ले ली हूँ 1 स्पून नमक ले ली हूँ डालने के लिए इसमें। और ये हो गया जीरा, ये जीरे ले ली हूँ 1 स्पून। और ये हो गई हरी मिर्च, 2 ली हूँ, क्योंकि तीखा नहीं बनाऊँगी, तीखा नहीं पसंद है ज़्यादा हम लोगों को। तो तीखा डाल सकते हो आप सब, अगर बना रहे हो तीखा खाते हो आप सब तो। और ये ले ली हूँ लहसुन की कलियाँ ले ली हूँ, देख सकते हो आप, 1 लहसुन छील ली हूँ, इसके छिलके निकाल ली हूँ, 1 लहसुन बड़े वाले लहसुन हैं जिसके छिलके आसानी से निकल जाते हैं। तो और अब मैं सब अब दिखाने वाली हूँ मैं कि इसमें क्या डालूँगी। मैं दोस्तों डालूँगी इसमें हींग। हींग डालने से स्वाद और बढ़ जाता है फरे का। तो मैं फिर सबको डाल के सब सामान डाल के मिक्सर में पीस लेती हूँ। तो मैं दाल डाल के इसमें पहले मिक्सर में दाल पीस लेंगी। और इसमें गया जीरा और ये लहसुन की कुछ कलियाँ ली हूँ, इसको मैं डाल देती हूँ। इसमें हरी मिर्च डाल देती हूँ, ये नमक डाल देती हूँ 1 स्पून ली हूँ। और ये हो गया हींग। हींग डालने से फरे का स्वाद और बढ़ जाता है, तो मैं इसमें हींग डालती हूँ। हींग थोड़ा ही है इसलिए नहीं दिखा रही हूँ, डाल रही हूँ बस। तो मैं सकती इसको लगा के पहले इसके जार में पीस लेती हूँ सारे मिक्सर सामान को। ये मेरा दाल पीस के तैयार रेडी हो गया है फरे बनाने के लिए। आप दरबरा भी पीस के डाल सकते हो और पतला भी पीस सकते हो, महीन कर सकते हो इसको पीस के। तो इसको निकाल लेती हूँ जार से। मेरा मिक्सर जो उसमें आज आटे भर के बनाएंगे, जो फरे बनाएंगे वो रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आटा गूंथूंगी। अब ये आटा ले ली हूँ मैं, ये गेहूँ का आटा है, तो कटोरी ले ली हूँ गेहूँ का आटा। अब इसमें मैं डालूंगी इतना, आधा स्पून नमक डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि उसमें मसाले में पड़ा है नमक। तो मैं गूंथ लेती हूँ पहले। हो चुका है और मसाले भी रेडी हो चुके हैं। तो आटे को दोस्तों ज़्यादा मुलायम नहीं गूंथना है, कड़ा ही रखना है, फरे बनाने अच्छा रहता है। तो आज मैं किसमें बनाऊंगी, और तो गैस ऑन कर ली हूँ, अब इसमें रखूँगी पतीला। तो पतीले में इतना पानी रख दी हूँ, इतना 2 गिलास के लगभग रख दी हूँ। और इसमें मैं ले ली हूँ 1 थाली, झन्नी वाली थाली है। अब इसी में आज मैं फरे बनाऊंगी। हल्का सा थाली में तेल लगा दी हूँ,
जिससे फरे चिपके ना। तो मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ फरे। इतना ले ली हूँ इतना आटा, इसमें भरूँगी मसाले को। आकार आकार का बना ली हूँ, अब इसमें मैं डालूँगी मसाले। एक एक स्पून डाल के भरना है इसको, तो ऐसे ऐसे मोड़ना है हल्का हल्का। तो ऐसे ऐसे मैं सारे भरे बना लूँगी, ऐसे ऐसे सारे भरे बना ली हूँ मैं, डकलिंग बना के। मैं इसको डालूँगी, आइए डालती हूँ। तो मेरा पानी भी हो गया, उबल गया है, भाप बन गई है, तो मैं इसमें डालूँगी एक एक करके। और मैं इसको सारे भरे डाल के मैं इसको ढक के रख दूँगी 30 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए इसको मैं पकने के लिए ढक दूँगी, जिससे अच्छे से पक जाए भरे बन के, फिर मेरे रेडी हो जाएंगे। आप ऐसे भी खा सकते हैं इसको बिना फ्राई किए हुए, और आप फ्राई करके भी खा सकते हैं, जैसे भी खाइए अच्छा लगेगा। तो मैं 30 मिनट के लिए इसको ढक के रख देती हूँ। 30 मिनट के बाद फिर मैं देखूँगी और चेक करूँगी कि मेरे फरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो फिर रखती हूँ मैं हूँ बाहर। अब इसको मैं धीमी आँच करके रख दी हूँ गैस पे, तो हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे फरे बनते हैं हम लोगों के यहाँ। तो फिर चलते हैं आधे घंटे के लिए। A few moments later, मैं गैस बंद कर देती हूँ। तो अब कैसे पता लगा जाए कि फरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो एक स्पून लेना है ऐसे ऐसे इसको ऐसे करके। तो फरे हो गए क्योंकि इसमें गीला गीला नहीं लग रहा है, सूखा लग रहा है स्पून में। रेडी हैं दोस्तों। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरे फरे हो गए हैं रेडी, तो आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं। जो मैं चटनी बनाई हूँ, मूंगफली की नारियल चटनी बनाई हूँ, इसको ऐसे भी खा सकते हैं और सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, अच्छा लगेगा। बनने के लिए हम घी डाल दिए इसमें, अब मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा। अरे के छोटे छोटे पीस में काट लिए, इसको मैं करूंगी फ्राई। अब जीरा भी हो गया है मेरा। इसको मैं चला देते हैं, इसके लिए 2-3 मिनट में फरे रेडी फ्राई। ओके, फरे मेरे फ्राई होकर रेडी हैं। अब इसको मैं गर्मा गर्म परोसूंगी और खिलाऊंगी पति देव को। ये ग्रीन के साथ फ्राई किया होगा फरे।